ये ऐसी रेसिपी है कि मतलब आई थिंक मैगी से भी जल्दी रेडी हो जाती है. ओह माय गॉड व्हाट इज दिस. योर मम्मी देखेगी तो बड़ा चिल्ला है. ये कितनी बुरी तरीके से गिर गया ये, तो मैंने सोचा था ऐसा अच्छा ज़िगज़ैग गिरेगा. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज हम करेंगे थोड़ी सी कुकिंग. वेल, आप लोग तो जानते ही हैं कि मुझे कुकिंग ना इतनी आती है और ना ही उसका ज्यादा शौक है. बट आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही सिंपल है. वो मेरी गो टू रेसिपी है. मतलब मुझे भूख जब भी भूख लगी होती है तो ये ऐसी रेसिपी है कि मतलब आई थिंक मैगी से भी जल्दी रेडी हो जाती है. सो यस, आज मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी. सो चलो देखते हैं क्या है. तो ये रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स दो ही है, अंडा और ब्रेड. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो पैन में मैं थोड़ा सा घी ले लूँगी. घी इसलिए क्योंकि मुझे ऑयल और बटर से ज़्यादा घी बेटर लगता है. तो थोड़ा सा ही, नॉट मच, थोड़ा सा घी लेंगे. एंड एज यूजुअल मैंने गैस ऑन नहीं रख रखी है, जो मैं अभी करती हूँ. एक बोल ले लेती हूँ और ये इसमें रख देती हूँ. चम्मच आगे काम आएगा. वेल, गैस ऑन कर देती हूँ. आई एम सो बैड. गैस ऑन हो गया है और जब तक मेरा ये घी मेल्ट होता है मैं आपको बताती हूँ कि अंडों के साथ क्या करना है. सो अंडा ऑफकोर्स तोड़ दो. अंडे जो है ना वो मेरी फेवरेट चीज है. मतलब अंडा मैं कभी भी खा सकती हूँ. मुझे पूरा दिन भर में भी अंडे दे दो और कुछ ना दो तो मैं अंडे ही खाते रहूँगी. मैं अंडे खा के बड़ी खुश हूँ. ये हमने ले लिया दो अंडे. आप एक्चुअली इसमें आपको जो ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं. आप इसमें कांदा, टमाटर, मिर्ची, लाइक मसाला ऑमलेट जो बनाते हैं वैसे भी कर सकते हैं. बट अभी मुझे कांदा मिर्ची नहीं ऐड करना, तो मैं इसमें बेसिक थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपने मसाले डाल के. ये मम्मी का बिरयानी मसाला है जो मैं इसमें हल्का सा यूज करूंगी, जस्ट फॉर लिटिल बिट ऑफ फ्लेवर. ओके, मम्मी ने आपको बता दिया है अपनी बिरयानी रेसिपी में कि वो कौन सा मसाला यूज करती है. अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग बैक जाके देख सकते हैं. थोड़ा सा कांदा लहसुन का चटपटा मसाला जो मिलता है वो ऐड करूंगी. ऑमलेट एक्चुअली आप जिस तरीके से भी बनाना चाहें आपकी मर्जी है. आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो आप ऐड कर सकते हैं. हल्का सा नमक. नमक मुझे ज्यादा पसंद नहीं है तो मोस्टली मैं तो नमक मिलाना अवॉइड ही करती हूँ. बट और यहाँ पे घी भी वो हो गया है. इसको मैं पूरे पैन में घुमा देती हूँ ताकि मेरा अंडा जो है वो इसमें चिपके ना. थोड़ा सा पैन को और गर्म होने देते हैं तब मिक्स करती हूँ. ओके, सो ये अंडा अच्छे से मिक्स हो गया है. ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस. बड़ा चिंता है. शी सो पर्टिकुलर अबाउट दिस. तो इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देती हूँ क्योंकि ये सारे रिप्लेस नहीं प्लेस. इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ ताकि आई एम नॉट डर्टिंग माय मदर्स टेरिटरी. आई थिंक पैन गरम हो गया है. इसको स्लो होता है ये, थोड़ा स्लो करती हूँ. नाउ अंडा को इसमें डाल देंगे. Okay, और उसको पूरी पैन में ऐसे फैला देंगे. ओके, थोड़ा टाइम इसको पकने देंगे. साइड्स तो पकने दे पकने हैं शायद.
विल स्टिल वेट क्योंकि इफ यू सी थोड़ा सा वाटरी है अभी भी है ना, यू डोंट वांट टू ईट कच्चा अंडा. इसकी साइड्स जो है उसको थोड़ा सा चिपकने से निकाल देंगे ताकि वो चिपके ना. Now, what do we do about this bread? It's right in the center, but we'll wait because our dust needs to be cooked a little. Oh, center to uska cook ho gaya hai. Ab ye bread, maine multigrain bread liya hai because I try to be a little healthy. आपको जो ब्रेड लेना है वाइट ब्राउन जिस तरीके का भी ब्रेड लेना है वो आप ले इसके सेंटर में प्लेस करें. यस, थोड़ा स्लो आपस में कर देती हूँ. अभी इसको आप वन टू थ्री इसको थोड़ा टाइम आप पकने देंगे. ओके, आई थिंक ये तैयार हो गया है तो मैं गैस बंद कर दूंगी और मैं इसको इसमें निकालूंगी. अंडा ओके, और इसको अभी आपको जिस तरीके से भी खाना है आप खा सकते हैं. मेरी चीज, मेरी फेवरेट चीज कहाँ गई जिसके साथ नहीं खाऊंगी? Where is my? अच्छा चलिए, तो ये तो है हमारी बेसिक डिश और अभी इसको जिसके साथ आपको खाना है आप खा सकते हैं, पेट भी खा सकते हैं. बट आई ऑलवेज लाइक अ लिटिल स्पाइसी और इसलिए मैं इसको चिली सॉस के साथ खाऊंगी. इसके ऊपर चिली सॉस में थोड़ा सा ऐड कर दूंगी. है कितनी बुरी तरीके से गिर गया ये, तो मैंने सोचा था ऐसा अच्छा ज़िगज़ैग गिरेगा. हम सो इट्स रेडी. वेयर इज माय फोर्क? चिली सॉस को इसके ऊपर मैं थोड़ा स्प्रेड कर लेती हूँ. एंड नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. खाओ इसको, मतलब टेंशन ही नहीं कि बाहर और ब्रेड लाओ 50 चीजें. डायरेक्टली ब्रेड उसके अंदर है. अब मैं अपना मूवी ले रहा हूँ. Oh my god, so I'm so proud of myself right now for making this. मैं जानती हूँ आप लोगों ने ये ऐसा कौन सा जुबा बना दिया, लेकिन मैं ये छोटी छोटी चीजें भी बनाती हूँ ना, मेरे को इतना मतलब गर्व होता है अपने ऊपर क्योंकि मुझे आती नहीं है ना. तो आई एम गोइंग टू एंजॉय माय एग नाउ. थोड़ा ज्यादा तीखा होगा. एंड आप लोग ये रेसिपी बनाए, ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी. ओके, एंड इफ यू लाइक माय रेसिपी यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.